चैंपियंस की, जहां पर हमें कई सारे बड़े मैचेस देखने को मिलने वाले हैं। न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन क्राउन होने वाला है, रोमन रेंस को टैग टीम चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। इसके अलावा और भी कई सारे बड़े बड़े मैचेस हमें देखने को मिलने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूं नाइट ऑफ चैंपियंस प्रीमियम लाइव इवेंट की प्रेडिक्शन, यानी कि मेरे अकॉर्डिंग नाइट ऑफ चैंपियंस के पेपर व्यू में होने वाले मैचेस में हमें किसकी किसकी जीत होते हुए दिख सकती है। एंड आप सभी जरूर से अपने प्रेडिक्शन नीचे कॉमेंट कर बताना। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरुआत कर लेते हैं अपने सबसे पहले मैच से, जो कि हमें देखने को मिलने वाला है ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स के बीच। देन नाइट ऑफ चैंपियंस में हमें ट्रिपल मेन इवेंट देखने को मिलने वाला है, जिसमें से पहला तो ये होने वाला है। और आप सब जानते ही हो, इस वीक के रॉ में ब्रॉक लेसनर ने काफी बुरी तरह से अटैक किया कोडी रोड्स पर, जिसके वजह से उनकी आर्म ब्रोक हो गई है। और हम सब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह से हम सब ने कोडी रोड्स को हेल इन अ सेल 2022 में देखा था, उसी तरह से हमें घायल कोडी रोड्स नजर आने वाला है नाइट ऑफ चैंपियंस में, क्योंकि एडम पियर्स, ट्रिपल एच सभी आकर कोडी रोड्स को समझा रहे थे, बट कोडी रोड्स समझने को तैयार नहीं थे। वहीं बात कर ली जाए कि क्या लास्ट टाइम की तरह 100% ना होने के बावजूद भी हमें कोडी रोड्स हराते हुए दिखने वाले हैं ब्रॉक लेसनर को, तो गाइस इसके चांसेस काफी कम है। यानी कि मेरी प्रेडिक्शन इस मैच में रहने वाली है ब्रॉक लेसनर के साथ कि वो हमें हराते हुए दिखने वाले हैं कोडी रोड्स को। और इसका रीजन तो आप सब जानते ही हो, हम सब ने इनका मैच पहले भी देखा है बैकलैश के पेपर व्यू में, जहां पर जीत हुई है कोडी रोड्स की। और WWE इनका पार्ट 3 भी प्लान कर रही है समर स्लैम में, सो अगर यहां पर ब्रॉक लेसनर जीतते हैं तभी इनका पार्ट 3 हो पाएगा समर स्लैम के पेपर व्यू में। इसलिए जब कोडी रोड्स 100% नहीं है, तो ब्रॉक लेसनर हमें उन पर विक्ट्री लेते हुए दिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मैच जो हमें देखने को मिलने वाला है, वो होने वाला है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए गुंथर वर्सेस मुस्तफा अली के बीच। सो गाइस सभी को यहाँ पर यही लग रहा है कि गुंथर इजिली हराने वाले मुस्तफा अली को, बट गाइस आप सबको बता दूं, ऐसे कुछ अपडेट्स निकल कर आ रहे जिसका कहना ये है कि हमें यहाँ पर मुस्तफा अली को विक्ट्री मिलते हुए दिख सकती है, जिसके बाद उनके करियर में एक काफी बड़ा टर्निंग आने वाला है। लेकिन बात कर ली जाए मेरी प्रेडिक्शन की, देन स्टिल मुझे लगता है कि यहाँ पर गुंथर हराने वाले मुस्तफा अली को, और वो रिटेन करने वाले अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। और इसका रीजन साफ है, अभी गुंथर एज IC चैंपियन काफी ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, उनसे चैंपियनशिप लेने का कोई मतलब ही नहीं है। वहीं अपने नेक्स्ट मैच के बारे में बात कर ली जाए, जो कि अपना सेकंड मेन इवेंट होने वाला है, वो है सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस वर्सेस AJ स्टाइल्स के बीच वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। जैसा कि आप सब जानते हो, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का टूर्नामेंट हमें स्टार्ट होते हुए दिखा था बैकलैश के बाद, एंड रॉ की तरफ से सेथ रॉलिंस पहुंच चुके फाइनल्स में, और स्मैकडाउन की तरफ से AJ स्टाइल्स। और अब ये दोनों भिड़ने वाले हैं नाइट ऑफ चैंपियंस में, एंड वहां पर हमें क्राउन होते हुए दिखने वाला है न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। और अब तक सभी को पूरे चांसेस सेथ रॉलिंस के चैंपियन बनने के लग रहे थे, बट जैसा कि हम सब ने इस वीक के रॉ में भी देखा, सेथ रॉलिंस ने रॉ को मिस किया उनके फिल्म के शूटिंग की वजह से। और जैसा कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप इसलिए आई थी ताकि हमें वो चैंपियन देखने को मिले जो कि रॉ में रेगुलर आए, इसलिए AJ स्टाइल्स के भी चैंपियन बनने के जरूर से अच्छे खासे चांसेस बन चुके हैं। बट स्टिल मैं यहां पर सेथ रॉलिंस को पिक करना चाहूंगा कि वो हमें हराते हुए दिख सकते हैं AJ स्टाइल्स को, एंड बनते हुए दिख सकते हैं न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। और इसका रीजन ये है कि जब से ये चैंपियनशिप आई है, सेथ रॉलिंस इसके आसपास ही घूम रहे कई सारे। उन्होंने खुद रीजन दिया, इस चैंपियनशिप को जीतने के लिए रोमन रेंस को टारगेट किया है, वो एक अच्छे चैंपियन नहीं है। तो मुझे लगता है WWE सेथ रॉलिंस को ही हमें चैंपियन बनाते हुए दिखने वाली है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अगर सेथ रॉलिंस की फिल्म की शूटिंग आगे भी चलने वाली है, तो हमें AJ स्टाइल्स चैंपियन बनते हुए दिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मैच जो हमें देखने को मिलने वाला है, वो एक ड्रीम मैच बैकी लिंच वर्सेस ट्रिश स्ट्रैटस के बीच। सो जैसा कि ट्रिश स्ट्रैटस ने धोखा दिया था बैकी लिंच को, जिसके बाद से इनकी फ्यूड स्टार्ट हुए, वहीं बात कर ली जाए कि इनके मैच में हमें किसकी जीत होते हुए दिख सकती है, देन गाइस अगर WWE इनका मैच आगे नहीं करवाने वाली है, तो यहां पर हो सकता है आप सबको बैकी लिंच की जीत देखने को मिल जाए। हो सकता है लीटा हमें हेल्प करते हुए दिख जाए बैकी लिंच की, बट आप सबको बता दूं, अपडेट्स के अकॉर्डिंग इनकी फ्यूड हमें समर स्लैम तक कंटिन्यू रहते हुए दिखने वाली है। तो यहां पर हमें ट्रिश स्ट्रैटस किसी तरह से विक्ट्री स्टील करते हुए दिख सकती है। अब वो रोल अप के सारे हो सकता है या फिर किसी और तरह से, यानी कि मेरी प्रेडिक्शन इस मैच में रहने वाली है ट्रिश स्ट्रैटस के साथ। इसके बाद जो नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलने वाला है, वो है स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच रिया रिपली वर्सेस नैटालिया के बीच। सो ज्यादा कोई भी इंटरेस्टेड है नहीं इस मैच में, सभी को पता है यहां पर रिया रिपली हमें हराते हुए दिखने वाली है नैटालिया को, और वो रिटेन करते हुए दिख सकती है अपनी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप। वही जो नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलने वाला है, वो है रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच बियांका बेलेयर वर्सेस आस्का के बीच। सो लास्ट मैच की तरह यहां पर भी ज्यादा चांसेस यही है कि बियांका बेलेयर आप सबको रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप रिटेन करते हुए दिखने वाली है। बट हां, अगर WWE कुछ बड़ा सॉकर प्लान करती है, तब हमें आस्का बनते हुए दिख सकती है न्यू रॉ वुमेन्स चैंपियन। इसलिए अभी के लिए मेरी प्रेडिक्शन इस मैच में रहने वाली है बियांका बेलेयर के साथ। इसके बाद
फाइनली जो अपना थर्ड मेन इवेंट देखने को मिलने वाला है वो है अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप का मैच सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस वर्सेस सोलो सिकुआ एंड रोमन रेंस के बीच। सो इस मैच के बारे में हम सबने पहले ही काफी ज्यादा बात कर ली है, यहाँ पर हमें उसोस एक काफी बड़ा फैक्टर प्ले करते हुए दिख सकते हैं, यानी कि अगर रोमन रेंस एंड सोलो सिकुआ हारते हैं तो उसका मेन रीजन हो सकते हैं उसोस, नहीं तो इसके चांसेस अच्छे खासे है कि रोमन रेंस के पास चार टाइटल आने वाली है, यानी कि वो एंड सोलो सिकुआ हमें बनते हुए दिख सकते हैं अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियंस। बिकॉज आगे WWE रोमन एंड सोलो का मैच प्लान कर रही है उसोस के साथ और वो हो सकता है चैंपियनशिप के लिए। और जैसा कि नाइट ऑफ चैंपियंस के पेपर व्यू में ही रोमन रेंस के कंप्लीट होने वाले 1000 डेज एज यूनिवर्सल चैंपियन, तो मे बी उनके लिए काफी ज्यादा पायरो वगैरह फटते हुए हमें दिख सकता है जब वो चारों टाइटल एक साथ करेंगे होल्ड। सो गाइस यही थे वो सऊदी अरेबिया में होने वाले पेपर व्यू नाइट ऑफ चैंपियंस के मैचेस के प्रेडिक्शन। एंड आप सब मुझे सारे मैचेस के प्रेडिक्शन तो कमेंट कर बताना ही बताना, साथ ही साथ ये बताना कि आपको क्या लगता है नाइट ऑफ चैंपियंस से एज अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस कौन बाहर निकलने वाला है। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। यह नाइट ऑफ चैंपियंस की जहां पर हमें कई सारे बड़े मैचेस देखने को मिलने वाले हैं, न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन क्राउन होने वाला है, रोमन रेंस को टैग टीम चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, इसके अलावा और भी कई सारे बड़े बड़े मैचेस हमें देखने को मिलने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूं नाइट ऑफ चैंपियंस प्रीमियम लाइव इवेंट की प्रेडिक्शन, यानी कि मेरे अकॉर्डिंग नाइट ऑफ चैंपियंस के पेपर व्यू में होने वाले मैचेस में हमें किसकी किसकी जीत होते हुए दिख सकती है। एंड आप सभी जरूर से अपने प्रेडिक्शन नीचे कमेंट कर बताना। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरुआत कर लेते हैं अपने सबसे पहले मैच से जो कि हमें देखने को मिलने वाला है ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स के बीच। देन नाइट ऑफ चैंपियंस में हमें ट्रिपल मेन इवेंट देखने को मिलने वाला है, जिसमें से पहला तो ये होने वाला है। और आप सब जानते हो इस वीक के रॉ में ब्रॉक लेसनर ने काफी बुरी तरह से अटैक किया कोडी रोड्स पर, जिसकी वजह से उनकी आर्म ब्रोक हो गई है। और हम सब एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिस तरह से हम सब ने कोडी रोड्स को हेल इन अ सेल 2022 में देखा था, उसी तरह से हमें घायल कोडी रोड्स नजर आने वाला है नाइट ऑफ चैंपियंस में, क्योंकि एडम पियर्स ट्रिपल एच सभी आकर कोडी रोड्स को समझा रहे थे बट कोडी रोड समझने को तैयार नहीं थे। वहीं बात कर ली जाए कि क्या लास्ट टाइम की तरह 100% ना होने के बावजूद भी हमें कोडी रोड हराते हुए दिखने वाले हैं ब्रॉक लेसनर को, तो गाइस इसके चांसेस काफी कम है। यानी कि मेरी प्रेडिक्शन इस मैच में रहने वाली है ब्रॉक लेसनर के साथ कि वो हमें हराते हुए दिखने वाले हैं कोडी रोड को। और इसका रीजन तो आप सब जानते ही हो, हम सब ने इनका मैच पहले भी देखा है बैकलैश के पेपर व्यू में, जहां पर जीत हुई है कोडी रोड की। और WWE इनका पार्ट 3 भी प्लान करी है समर स्लैम में, सो अगर यहां पर ब्रॉक लेसनर जीतते हैं तभी इनका पार्ट 3 हो पाएगा समर स्लैम के पेपर व्यू में। इसलिए जब कोडी रोड्स 100% नहीं है तो ब्रॉक लेसनर हमें उन पर विक्ट्री लेते हुए दिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मैच जो हमें देखने को मिलने वाला है वो होने वाला है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए गुंथर वर्सेस मुस्तफा अली के बीच। सो गाइस सभी को यहाँ पर यही लग रहा है कि गुंथर इजिली हराने वाले मुस्तफा अली को, बट गाइस आपको बता दूं ऐसे कुछ अपडेट्स निकल कर आ रहे जिसका कहना ये है कि हमें यहाँ पर मुस्तफा अली को विक्ट्री मिलते हुए दिख सकती है, जिसके बाद उनके करियर में एक काफी बड़ा टर्निंग आने वाला। लेकिन बात कर ली जाए मेरी प्रेडिक्शन की, मुझे लगता है कि यहाँ पर गुंथर हराने वाले मुस्तफा अली को और वो रिटेन करने वाले अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। और इसका रीजन साफ है, अभी गुंथर एज आईसी चैंपियन काफी ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, उनसे चैंपियनशिप लेने का कोई मतलब ही नहीं है। वहीं अपने नेक्स्ट मैच के बारे में बात कर ली जाए जो कि अपना सेकंड मेन इवेंट होने वाला है, वो है सेथ फ्रिकेंड रॉलिंस वर्सेस एजे स्टाइल्स के बीच वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। जैसा कि आप सब जानते हो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का टूर्नामेंट हमें स्टार्ट होते हुए दिखा था बैकलैश के बाद, एंड रॉ की तरफ से सेथ रॉलिंस पहुंच चुके हैं फाइनल्स में और स्मैकडाउन की तरफ से एजे स्टाइल्स, और अब ये दोनों भिड़ने वाले हैं नाइट ऑफ चैंपियंस में एंड वहां पर हमें क्राउन होते हुए दिखने वाला है न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। और अब तक सभी को पूरे चांसेस सेथ रॉलिंस के चैंपियन बनने के लग रहे थे, बट जैसा कि हम सब ने इस वीक के रॉ में भी देखा सेथ रॉलिंस ने रॉ को मिस किया उनकी फिल्म की शूटिंग की वजह से। और जैसा कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप इसलिए आई थी ताकि हमें वो चैंपियन देखने को मिले जो कि रॉ में रेगुलर आए, इसलिए एजे स्टाइल्स के भी चैंपियन बनने के जरूर से अच्छे खासे चांसेस बन चुके हैं। बट स्टिल मैं यहां पर सेथ रॉलिंस को भी पिक करना चाहूंगा कि वो हमें हराते हुए दिख सकते हैं एजे स्टाइल्स को एंड बनते हुए दिख सकते हैं न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। और इसका रीजन ये है कि जब से ये चैंपियनशिप आई है सेथ रॉलिंस इसके आसपास ही घूम रहे कई सारे, उन्होंने खुद रीजन दिए इस चैंपियनशिप को जीतने के लिए रोमन रेंस को टारगेट किया है, वो एक अच्छे चैंपियन नहीं है। तो मुझे लगता है WWE इस सेथ रॉलिंस को ही हमें चैंपियन बनाते हुए दिखने वाली है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अगर सेथ रॉलिंस की फिल्म की शूटिंग आगे भी चलने वाली है तो हमें एजे स्टाइल्स चैंपियन बनते हुए दिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मैच जो हमें देखने को मिलने वाला है वो एक ड्रीम
ड्रीम मैच बैकी लिंच वर्सेस ट्रिश स्ट्रैटस के बीच। सो जैसा कि ट्रिश स्ट्रैटस ने धोखा दिया था बैकी लिंच को, जिसके बाद से इनकी फ्यूड स्टार्ट हुए, वहीं बात कर ली जाए कि इनके मैच में किसकी जीत होते हुए दिख सकती है। देन गाइस, अगर WWE इनका मैच आगे नहीं करवाने वाली है तो यहाँ पर हो सकता है आप सबको बैकी लिंच की जीत देखने को मिल जाए। हो सकता है लीटा हमें हेल्प करते हुए दिख जाए बैकी लिंच की। बट आप सबको बता दूं, अपडेट्स के अकॉर्डिंग इनकी फ्यूड हमें समर स्लैम तक कंटिन्यू रहते हुए दिखने वाली है। तो यहाँ पर हमें ट्रिश स्ट्रैटस किसी तरह से विक्ट्री स्टील करते हुए दिख सकती है। अब वो रोल अप के सहारे हो सकता है या फिर किसी और तरह से, यानी कि मेरी प्रेडिक्शन इस मैच पे रहने वाली है ट्रिश स्ट्रैटस के साथ। इसके बाद जो नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलने वाला है वो है स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच रिया रिप्ली वर्सेस नैटालिया के बीच। सो ज्यादा कोई भी इंटरेस्टेड है नहीं इस मैच में, सभी को पता है यहाँ पर रिया रिप्ली हमें हराते हुए दिखने वाली है नैटालिया को, और वो रिटेन करते हुए दिख सकती है अपनी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप। वही जो नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलने वाला है वो है रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच बियांका बेलेर वर्सेस आस्का के बीच। सो लास्ट मैच की तरह यहाँ पर भी ज्यादा चांसेस यही है कि बियांका बेलेर आप सबको रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप रिटेन करते हुए दिखने वाली है। बट हाँ, अगर WWE कुछ बड़ा सॉकर प्लान करती है तब हमें आस्का बनते हुए दिख सकती है न्यू रॉ वुमेन्स चैंपियन। इसलिए अभी के लिए मेरी प्रेडिक्शन इस मैच में रहने वाली है बियांका बेलेर के साथ। इसके बाद फाइनली जो अपना थर्ड मेन इवेंट देखने को मिलने वाला है वो है अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप का मैच सैमी जेन एंड केविन ओवेंस वर्सेस सोलो सिकवा एंड रोमन रेंस के बीच। सो इस मैच के बारे में हम सबने पहले ही काफी ज्यादा बात कर ली है। यहाँ पर हमें उसो से काफी बड़ा फैक्टर प्ले करते हुए दिख सकते हैं, यानी कि अगर रोमन रेंस एंड सोलो सिकवा हारते हैं तो उसका मेन रीजन हो सकते हैं उसोस, नहीं तो इसके चांसेस अच्छे खासे हैं कि रोमन रेंस के पास चार टाइटल आने वाली है, यानी कि वो एंड सोलो सिकवा हमें बनते हुए दिख सकते हैं अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियंस। बिकॉज आगे WWE रोमन एंड सोलो का मैच प्लान कर रही है उसोस के साथ, और वो हो सकता है चैंपियनशिप के लिए। और जैसा कि नाइट ऑफ चैंपियंस के पेपरव्यू में ही रोमन रेंस के कंप्लीट होने वाले 1000 डेज एज यूनिवर्सल चैंपियन, तो मे बी उनके लिए काफी ज्यादा पैरो वगैरह फटते हुए हमें दिख सकता है जब वो चारों टाइटल एक साथ करेंगे होल्ड। सो गाइस, यही थे वो सऊदी अरेबिया में होने वाले पेपरव्यू नाइट ऑफ चैंपियंस के मैचेस के प्रेडिक्शन। एंड आप सब मुझे सारे मैचेस के प्रेडिक्शन तो कमेंट कर बताना ही बताना, साथ ही साथ ये बताना कि आपको क्या लगता है नाइट ऑफ चैंपियंस से एज अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस कौन बाहर निकलने वाला है। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।